क्वालिटी मैं उतनी अच्छी नहीं कहूँगा, देख रहे हैं काफ़ी इजली से ये बंद। ओपिनियन बताऊँ तो एकदम ये मैं हीरो के शोरूम में खड़ा हूँ, मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन इसको आप ना ही लें तो आपके लिए ज़्यादा। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं हीरो की मेस्ट्रो एज 110 2023 मॉडल। तो आज हम जानने वाले हैं इसी के बारे में, क्या 2023 में इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, इसमें आपको माइलेज कितना मिलेगा, प्राइस इसमें आपको कितना मिलेगा, और बाकी इसमें जो है ऑफर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे चल रहे हैं इस टाइम, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी अगर आपको स्कूटर हीरो की कोई बाइक या स्कूटर परचेज करनी हो, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के आसपास रहते हैं, तो एक बार आप सुपर हीरो बालागंज ज़रूर विजिट करें। आपको हीरो की सारी बाइक्स, सारे कलर्स और सारे वेरिएंट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी शोरूम की जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं स्कूटर के फ्रंट साइड से, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन आप देखेंगे तो मेस्ट्रो का जो डिज़ाइन है वो हमेशा से ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी रखा है। हीरो ने जो है वो यूथ को टारगेट करते हुए इसका डिज़ाइन बनाया है। बाकी फ्रंट में आपको जो विंडशील्ड मिलती है वो ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड आती है, और यहाँ पर आपको हीरो का 3D में लोगो मिलता है क्रोम फिनिश के साथ। बाकी इसका इस स्कूटर का जो कर्ब वेट है वो 112 किलो का इसका वेट आ जाता है, और यहाँ पे आपको इसमें जो लाइट मिलती है वो हैलोजन बल्ब की लाइट आती है, और पायलट लैंप भी आपको हैलोजन बल्ब की ही मिलती है। इसमें LED का यूज़ जो है कंपनी ने नहीं किया इसकी हेडलाइट में, जो कि देना चाहिए था हीरो को। बाकी फ्रंट एप्रन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सा इसका फ्रंट एप्रन आ जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलती है, और साइड में आपको रेड यहाँ पे कलर्स मिलते हैं, ग्लॉसी पेंट फिनिश इसमें आपको मिलती है, और ग्राफिक जो है वो फ्रंट पे ही आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेस्ट्रो एच की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है जो कि स्टिकर में आती है, और बाकी इंडिकेटर्स देखेंगे तो इंडिकेटर्स इसमें आपको हैलोजन बल्ब के ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े से इसके हैलोजन यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोग्राम FI की बैजिंग मिल जाती है जो कि रबड़ में आती है। अगर मेडगार्ड की बात करें तो मेडगार्ड जो है फ्रंट वो यहाँ पे आपको फाइबर का मिलता है, थोड़े ज़्यादा इसमें कट वगैरह आपको मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, IBS की यहाँ पे बैजिंग मिलती है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो कि कॉम्बी ब्रेक की तरह काम करता है। अगर आप रियर ब्रेक यूज़ करेंगे तो थोड़े से रेशियो में आपका फ्रंट ब्रेक भी यूज़ होगा, जिससे आपकी ब्रेकिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी फ्रंट और रियर दोनों में आपको 130 mm की यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलती है। फ्रंट में आपको जो टायर साइज मिलता है वो है 90x90 सेक्शन का टायर, और फ्रंट में आपको 12 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेसिक सा है। और अब दिखाते हैं आपको राइट साइड से ये स्कूटर, तो कुछ इस तरीके का इसमें आपको राइट साइड से भी यहाँ पे लुक देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सा इस हीरो ने इसको बनाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो साइड पे आपको जो है वो ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी यूज़ करे हैं हीरो ने। मेस्ट्रो की यहाँ पे बैजिंग मिलती है बड़ी सी, मेस्ट्रो एज लिखा हुआ है जो कि स्टिकर में आता है, और ग्राफिक जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हीरो ने यूज़ करे हैं। और फुटसेस की बात करें तो यहाँ पे पिलियन फुटसेस जो है वो फोर्डेबल आते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी जो है वो उसकी यहाँ पे बेहतर हो सकती थी, क्वालिटी मैं उतनी अच्छी नहीं कहूँगा, देख रहे हैं काफ़ी ईजिली से ये बंद नहीं हो रहे, आसानी से बंद होना चाहिए जो कि नहीं हो रहे हैं। बाकी एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट यहाँ पे फुली ब्लैक इसका आता है, काफ़ी बल्कि सा इसका जो है एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट पे जो है वो आपको ब्लैक कलर की ही फिनिश मिलती है, क्रोम फिनिश इस पर नहीं आती है। और इसका टेल सेक्शन भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टेल सेक्शन से भी देखने पे जो है लुक जो है वो ओवरऑल यहाँ पे ओके मैं कहूँगा। बाकी रियर में जो है वो इसमें आपको LED की टेल लाइट मिलती है, काफ़ी अच्छी है लगती है ग्लो होने पे, और इंडिकेटर जो है वो हाइड्रोजन बल्ब की ही आते हैं इसमें। यहाँ पे आपको जो है वो एक्सटर्नल फ्यूलिड मिलती है जिसपे हीरो की बैजिंग आती है, और इसमें आपको जो कैपेसिटी मिलती है वो 5 लीटर की कैपेसिटी इसमें आती है। बाकी अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 40 से 45 km/L तक का माइलेज मिल जाएगा अगर आप इसको आराम से राइड करेंगे। और बाकी नीचे आपको जो है नंबर प्लेट का यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है, और अगर लेफ्ट साइड से मैं दिखाऊँ तो लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके का यहाँ पे लुक आ जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से यहाँ पे ठीक ठाक ही आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और बाकी अगर इसकी सीट की बात करें तो सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी मैली हो रही है, एकदम लग रहा है कि यहाँ गाड़ियाँ जो है वो कूड़े की तरह खड़ी हुई हैं, देख रहे हैं आप किस तरीके की इस पर डस्ट एकदम जमा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है।
और सीट की आप बात कर लेते हैं तो इसमें सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिलती है। राइडर पिलियन दोनों के लिए जगह काफ़ी, इसकी सीट हाइट जो है वो 775 mm की मिलती है। और कुशनिंग की अगर बात करें तो कुशनिंग यहाँ पे काफ़ी, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इसकी कुशनिंग रखी गई है। और ग्रैब हैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा इसका ग्रैब हैंडल आया है, रेड कलर की फिनिश में आता है। और इसकी भी क्वालिटी जो है वो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको लेडीज़ फुटर्स मिलते हैं जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आते हैं। और यहाँ पे आपको किक स्टार्ट मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ इसमें आता है, और साइड स्टैंड की लाइट आपको मीटर में भी देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लीयरेंस में बता चुका हूँ 155 mm का मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो उसमें आपको जो इंजन मिलता है वो है 110.9 cc का एयर कूल्ड इंजन, और ये मैक पावर प्रोड्यूस करता है 8.4 bhp के 7250 rpm पे। और मैक टॉर्क इसमें आपको मिलता है 8.7 Nm का 5750 rpm पे। तो पावर फिगर जो है वो 110 स्कूटर के हिसाब से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको। बाकी रियर में आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं वो हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं रियर में, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर के फिनिश के साथ आते हैं। बाकी रियर अगर टायर की बात करें तो रियर में आपको 90x100 सेक्शन का टायर मिलता है, और रियर में आपको 10 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। तो रियर में आपको 10 इंचेस के मिलते हैं, फ्रंट में 12 इंचेस के, तो कॉम्बिनेशन 12 और 10 इंचेस का यहाँ पे हीरो ने बना के रखा है। और अगर बात करें इसके यहाँ पे सीट की, इसके स्टोरेज की, तो स्टोरेज जो है वो काफ़ी डिसेंट है यहाँ पे आपको मिल जाता है, ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम मिलता है, बाकी डिसेंट से इसमें आपको स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप अगर आप फ़ोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कन्वीनियंट जो है वो ओवरऑल इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। यहाँ पे LED लाइट का सेटअप आपको मिलता है, अगर आप रात में इसका बूट ओपन करते हैं तो आपको लाइट जो है वो हीरो ने प्रोवाइड कराई, जिससे आप इजीली इसमें कोई सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। बाकी अगर इसकी चाबी दिखा देते हैं आपको, तो चाबी देखेंगे तो चाबी यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम सी हीरो ने इसको बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे ब्लैक और ग्रे कलर की चाबी आती है, हीरो की बैजिंग इस पे आती है, तो काफ़ी बड़ी सी इसकी चाबी मिलती है। और इग्निशन जो है इसमें आपको मल्टी फंक्शनल मिलता है, तो इग्निशन से ही आप इसकी सीट और इसकी फ्यूलिट दोनों ओपन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो उसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग में मिलता है, और बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाती है, न्यूट्रल लाइट मिल जाती है, और बाकी इसमें आपको ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाती है, दो ट्रिप मीटर आते हैं। यहाँ पे टर्न सिग्नल की लाइट मिलती है, और यहाँ पे हाई बीम की लाइट मिलती है, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड की लाइट मिल जाती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। बाकी यहाँ पे आप सिल्वर फिनिश मिलती है, इस पर भी गर्दा काफ़ी जमा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ एकदम गंदे हो चुके हैं। हीरो की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर स्विच की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टार्ट का स्विच मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, पास का स्विच इसी में आता है, टर्न सिग्नल का स्विच, और नीचे हॉर्न का स्विच मिलता है। स्विच की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बकवास है एकदम, स्विच की क्वालिटी मुझे एकदम पसंद नहीं आई है, कि इसके स्विच थोड़ी और यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी हो सकती थी। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें रफ एजिस महसूस होते हैं, और क्वालिटी मैं कहूँगा एकदम ही बकवास है इसके यहाँ पे स्विचेस की। और बाकी यहाँ पे जो क्वालिटी यूज़ करी है उसकी भी यहाँ पे थोड़ी और फिट एंड फिनिश अच्छी हो सकती थी। यहाँ पे सिल्वर पैनल तो मिलते हैं आपको, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी इसमें नहीं है। और मिरर्स आप देखेंगे तो मिरर्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अच्छा इसका रियर व्यू आता है मिरर्स का। तो ओवरऑल यही था हीरो मैस्ट्रो एज 110 का डिटेल रिव्यू। आपको कैसी लगी स्कूटर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के आसपास रहते हैं, आपको हीरो कोई बाइक या स्कूटर परचेस करनी हो तो आप एक बार सुपर हीरो बालागंज ज़रूर विज़िट करें। और अगर आपका इस स्कूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी बाइक या स्कूटर परचेस करनी चाहिए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम भी बात कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, पहली बार को वीडियो देखने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आप बता देते हैं इसका प्राइस कितना है, तो इसका ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये है ड्रम वेरिएंट, इसमें एक डिस्क वेरिएंट भी आता है जो कि वो खड़ा है। ये जो आप ड्रम वेरिएंट देख रहे हैं इसका प्राइस आ जाता है 91,000 अप्रॉक्स, इसका ऑन रोड प्राइस है लखनऊ उत्तर प्रदेश का, तो अपने प्राइस को ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। बाकी 2023 में मुझे तो, अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो एकदम ये मैं हीरो के शोरूम में खड़ा हूँ, मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन इसको आप ना ही लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी इसमें ऑफर्स भी जो है वो काफ़ी अच्छी चलते रहते हैं, जैसे वहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल की इसमें आपको फ्री सर्विस मिलती है, और इंजन ऑयल भी इसमें आपको 5 साल के लिए फ्री मिलेगा, और बाकी इसमें आपको 5 साल की वारंटी भी मिलती है। तो इसमें हीरो ने जो है वो अपनी सारी स्कूटर में ऑफ़र काफ़ी अच्छे रख दी है, क्योंकि अगर स्कूटर जो है वो
हीरो की बहुत ही ज़्यादा कम सेल होती हैं बाइक के मुकाबले, तो इसीलिए हीरो ने इसमें आपको ऑफ़र जो है वो थोड़े अच्छे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं तो हीरो मेस्ट्रो एज भी ले सकते हैं। बाकी अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताऊँ तो उसको ना ही ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।